मंगलम मोटोकॉर्प। मैं हूँ नीरज और मैं जानता हूँ आप बहुत ईगर हैं ये जानने के लिए कि रॉयल एनफील्ड की थंडरबर्ड X350 कैसी बाइक है। तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको इस बाइक के रिव्यू के लिए। थंडरबर्ड एक ऐसी बाइक है जो पिछले 20 साल से हमारे साथ है और रॉयल एनफील्ड ऐसी बाइक बनाता है जिसे हम अपने दिमाग से ज्यादा अपने दिल से खरीदते हैं। इस बाइक में काफी सारे चेंजेस हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा इस रिव्यू में। चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक राइड के ऊपर जो कि हम करेंगे चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। कम विद मी। रॉयल एनफील्ड वो मोटरसाइकिल्स हैं जिससे हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है क्योंकि इन मोटरसाइकिल्स में फील है। जहां तक थंडरबर्ड X350 के इंजन की बात करें तो इसका इंजन बिल्कुल पुरानी थंडरबर्ड जैसा ही है जो कि है 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर ट्विन स्पार्क 346 cc जो देता है 19.8 BHP पावर एट 5250 RPM और मैक्स टॉर्क 28 न्यूटन मीटर एट 4000 RPM। इसमें 5 गियर हैं। इसमें मिली है प्रीमियम क्वालिटी की कुशन वाली सीट जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। इसके साथ है शॉर्ट हैंडल जो सिटी राइड के लिए बेहतरीन है जिससे कि कंट्रोलिंग एकदम स्विफ्ट हो रही है। ये स्पोर्ट्सटर जैसा हैंडल है जिससे बाइक को आसानी से घुमाया जा सकता है। इससे लॉन्ग ड्राइव्स में भी कम थकान का सामना करना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर आइए रिव्यू करते हैं इस बाइक का। इस बाइक में खूबसूरत डिजाइन चेंजेस किए गए हैं। हेडलैम्प को देखें तो पुरानी थंडरबर्ड की तरह इसमें भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। इसमें 20 लीटर का टैंक है जो कि अपने आप में इसकी एक खासियत है जिससे कि आप 500 प्लस किलोमीटर की राइड पर जा सकते हैं एक बार टैंक को फिल करके। आगे की ब्रेक्स की यदि हम बात करें तो इसमें 280 mm का 2 पिस्टन कैलिबर का डिस्क ब्रेक है और अगर हम पीछे की ब्रेक की बात करें तो पीछे 240 mm सिंगल कैलिपर का डिस्क ब्रेक है। आगे के शॉक अब्सॉर्बर्स 41 mm के टेलीस्कोपिक फोक्स हैं और पीछे के शॉक अब्सॉर्बर्स ट्विन गैस चार्ज्ड 5 स्टेप्स एडजस्टेबिलिटी के साथ में हैं, जिससे कि इवन एक पिलियन के साथ में भी आपकी राइड की क्वालिटी बहुत ही ग्रेट रहेगी। इसमें मिलती है प्रीमियम क्वालिटी की कुशनिंग वाली सीट जो कि बहुत ही कंफर्टेबल फील देगी। आगे का व्हील 19 इंच अलॉय व्हील है विथ 90x90 ट्यूबलेस टायर्स। पीछे के व्हील की हम बात करें तो पीछे 18 इंच अलॉय व्हील है विद 120x80 ट्यूबलेस टायर। वैसे तो रॉयल एनफील्ड खरीदने वाले लोग माइलेज की बात नहीं करते हैं, पर अगर हम देखें तो सिटी कंडीशंस में इस बाइक से आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाएगा। टेस्ट राइड के लिए एक्स शोरूम प्राइस के लिए आप स्क्रीन पर दिए पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जहां तक मेरे ओपिनियन की बात है तो जो भी लोग थंडरबर्ड को लेकर उसमें चेंजेस करते थे स्पोर्ट्सर लुक के लिए, वही चेंजेस कंपनी ने खुद करके दे दिए हैं। जैसे कि अलॉय व्हील्स, इसके अंदर 9 स्पोक्स अलॉय व्हील्स हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अलॉय व्हील्स में कम से कम 6 स्पोक्स होने चाहिए। 9 स्पोक्स का मतलब है इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है।
इस बाइक में ट्यूबलेस टायर्स भी दे दिए गए हैं, शॉर्ट हैंडल जिसके साथ में राइड बहुत कंफर्टेबल है, वाइब्रेंट कलर्स ने इस बाइक के अंदर जान डाल दी है, ऑल ब्लैक ट्रीटमेंट लुक्स अमेजिंग, पीछे बैकरेस्ट की जगह पर ग्रैब रेल्स दे दी गई हैं। अभी के लिए इतना ही, टेक केयर, राइड हार्ड, राइड सेफ, चीयर्स।